अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ काठियावाड़ी छोले, जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप लोग नोट कर लीजिए। ये हाफ के जी मेरी छोले हैं, ये बॉयल हुए हुए हैं। ये तीन मीडियम साइज़ के आलू हैं, हाफ डन। अब ये रोस्टेड साबुत लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा, धनिया और चाट मसाला 1 टीस्पून। अब ये हल्दी है और लाल मिर्च है, 1 टीस्पून है दोनों। और ये इमली का पानी है, पल्प नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पानी चाहिए इसमें। आप लोग खटाई पाउडर भी ले सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून जर्दे का रंग है। अब हम 4 ग्लास पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी में थोड़ा पानी हमारा बॉयल आने लगे हल्का सा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें उबालना नहीं है पानी को, बस थोड़ा सा आने लगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें छोले इस तरह चाहिए हमें। आलू हमें हाफ डन चाहिए हैं, ये भी इसमें डाल दिए मैंने पानी में। देखिए बहुत जल्दी बन जाता है, आप लोगों के आलू ये इस तरह बॉयल हुए हुए हों तो बहुत जल्दी बन जाता है। कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी से आप लोगों का ये तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं जिंजर पाउडर डालती हूँ, आपको बताना भूल गई थी मैं, ये 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चें और हल्दी डाल देंगे सिवा, अच्छी तरह से हिलाएंगे, मसाले वगैरह सब इसके साथ एक साथ मिल जाएं। अब ये मैंने कूट लिया है लाल मिर्चें और धनिया और ज़ीरे को, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है कि डेकोरेशन में डालूंगी। स्पाइस आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी नमक भी डाल दिया मैंने इसी के साथ। अब ये जर्दे का रंग है, ये भी डाल दिया मैंने इसमें। इसकी ये अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें इसमें साथ डल जाती हैं। बहुत मज़े की लगती है, थोड़ी डिफरेंट लगती है, बिल्कुल जैसे स्ट्रीट फूड में स्टॉलों में मिलती है ना, वैसी लगती है। अब मैं इमली का पानी डाल रही हूँ इसमें। चार कप हमने डाले थे, उसमें से वन कप पानी हमें इसमें रिड्यूस करना है। देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आना बबल आना स्टार्ट हो गए हैं इसमें। जी देखिए फ्रेंड्स, 1 कप के हिसाब से हमारा पानी रह गया है, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है इसमें। अब मैं कॉर्नफ्लोर डाली हूँ थोड़ा थोड़ा करके कि लम्स ना बने इसमें। हमें मीडियम चाहिए इसका। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हो, थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी डाल दिया मैंने, बस ज़्यादा गाढ़ा ना हो कि थोड़ा पतला पतला ही रहता है ये। कॉर्नफ्लोर ज़रा सा पक जाए तो मैंने 5 मिनट पकाया था इसे कि फिर कच्चा कच्चा ना आए इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सर्विंग स्टार्ट करते हैं। सर्विंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी। एक
प्याले में वैसे निकाल रही हूँ जो हमने बनाया है। जैसे आपने मेरी पहली वीडियो बहुत पसंद की है, आपको आई होप ये वाली भी बहुत अच्छी लगेगी। अब एक चॉप प्याज डाल रही हूँ ऊपर। आप लोग हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, पर हम मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं खाती है मिर्चें, तो मैंने नहीं डाली थी। अब मैं ज़ीरा और धनिया डाल रही हूँ जो मैंने उसमें डाला था अंदर मसाले में, रोस्टेड कुटी हुई मिर्चें और चाट मसाला। धनिया डाल रही हूँ ऊपर से, और ये होममेड पापड़ी है, छोटी वाली पापड़ी। अगर आप लोगों को इस बहुत क्रिस्पी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये कितनी क्रिस्पी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है ये हमारी। आई होप आपको पसंद आएगी। और एक बात इसमें ये कि ये पाव के साथ खाई जाती है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने ऐसे तोड़ के इसमें, और आप लोग मज़ीद डाल सकते हैं ये पापड़ी के साथ। ये डालना मत भूलिएगा पापड़ी, ये बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि ये पाव के साथ खाई जाती है, तो मेरे पास बन थे तो मैंने वो सेक लिए हैं ये फ्राई पैन में से, कड़क बन के साथ ये खाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हो गया, रेडी हो गई है, इसकी सर्विंग भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी लाइबा, अगर आपको और वीडियोस चाहिए वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।